तो गाइस आज की वीडियो में आपको मैं सिखाने वाला हूँ कि आप नेम प्लस इमोजी ने फेसबुक अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और आप उसी सेम मेथड से यूनिक अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले आपको बस एक ही काम करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अगर आपको कुछ भी समझना है तो आपको वीडियो पर कमेंट करना है, मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दूँगा। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लेना, ठीक है, जिससे आपको ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। तो गाइस जैसे कि बहुत सारे लोग बोले तो भाई मेरा जो अकाउंट है वो अपडेट नेम पर नहीं जा रहा, तो देखो यहाँ पे भी आपको वीडियो नहीं दिख रही होगी अपडेट नेम की, लेकिन जब ये वाली वीडियो अपलोड होगी उससे पहले मैं अपडेट नेम की ट्रिक अपलोड कर दूंगा। उस वीडियो में मेरा जो अकाउंट है वो जस्ट नाउ अपडेट पे गया था, तो आप वीडियो जरूर चेक कर लेना जाके, ठीक है। अभी अपलोड नहीं है लेकिन मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो देखो गाइस मैं दिखा देता हूँ आपको कौन कैसा अकाउंट क्रिएट करेंगे आज हम वीडियो में। तो यहाँ पे देखो जीमेल ओपन कर लेता हूँ मैं, तो देखो यहाँ पे अभी टाइम चेक कर लो, 3:48 हो रहा है, यहाँ 3:11 हो रहे हैं, ठीक, मतलब 3:11 पे मेरे पास फेसबुक वाले का मेल आया था, यहाँ पे देख लो। तो देखो गाइस यहाँ पे जो हमारा सिंबल है वो एक्सेप्ट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल न्यू सिंबल है, यहाँ पे इनवैलिड यूज़ किया जो मैंने, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं जो इसकी मेल कॉपी कर लेता हूँ, लॉगिन करके दिखा देता हूँ आपको। तो देखो गाइस ये वो अकाउंट है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे आप देख रहे हो नेम प्लस इमोजी, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपको मैं यही सिखाऊंगा कि आप नेम प्लस इमोजी में फेसबुक अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल के करता हूँ इसे ओपन। तो देखो गाइस जहाँ मैंने पासवर्ड डाल दिया, देन हम करेंगे लॉगिन पे क्लिक, उसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। और गाइस व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज मत करना, जितने भी लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर था ना, अब वो व्हाट्सएप पे मैसेज मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि जो मैंने सिम है अपनी वो तोड़ दी है, ठीक है। मैंने मेरे पास जितने भी नंबर थे मैंने सब सिम तोड़ दिया। अब आप बोलोगे भाई झूठ के बोल रहे, आपने तो सिम तोड़ दी। तो देखो ये जो ऊपर सिम दिख रही है आपको, ये मेरा बिल्कुल न्यू नंबर है और ये किसी के पास भी नहीं है और ना मैं देने वाला हूँ, ठीक है। आपको मैं अब अपना इंस्टाग्राम का लिंक दूंगा, वहाँ पे आ जाना बात बात करनी हो, या फेसबुक अकाउंट का लिंक दूंगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे मैसेज मत करना कोई भी, ठीक है। तो देखो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो सिंबल है वो एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है। और ऐसे आप अबाउट में देखोगे जब नेम के, तो यहाँ पे देखो ऐसे दिखाएगा, ठीक है, इनवैलिड। और यहाँ पे आप देखो स्ट्रेंजर ट्रिगर लिखा, ये आप यही रहने देना, ये अपना नाम लिखना हो लिख लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, उसके बाद आपको अपडेट नेम पर क्लिक कर देना है। तो देखो गाइस जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको अपडेट नेम पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके अपडेट नेम पर क्लिक करता हूँ, तो उसके बाद आपको गो टू न्यूज़फीड पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो हमारा अकाउंट है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी प्रोफाइल चेक करवाता हूँ आपको कैसा नेम शो करेगा। तो देखो गाइस यहाँ पे आप नेम चेक कर लो, यहाँ पे आप कृष्णा की जगह अपना नाम लिख सकते हो, जो मर्जी, स्ट्रेंजर, हर्ष, और कुछ भी नाम लिख सकते हो, आपका जो भी नाम है, समीर, आदिल, जो मर्जी, आपका जो भी नाम है आप कृष्णा की जगह वो लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो है इमोजी शो नहीं कर रहा, क्योंकि फेसबुक लाइट में इमोजी शो नहीं करता, आपको पता होगा, समझदार हूँ मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें सिखा रखी। तो देखो यहाँ पे आ जाते हैं हम नोटिफिकेशन में, ठीक है। तो देखो मैंने कितनी बार ट्राई करा जब जाके एक अकाउंट बना, ठीक है, तो इतनी भी ज़्यादा बार ट्राई नहीं करा मैंने, बच्चों का काम है ये सब सिंबल एक्सेप्ट कराना, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे मैं सपोर्ट इनबॉक्स भी चेक करवाता हूँ आपको। तो यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट टू चेंज योर नेम पे आ जाते हैं। तो देखो गाइस यहाँ पे 29 प्रीवियस मैसेज दिखा रहा था, मतलब देख लो यहाँ पे 29 सबमिट पे हमारी बन गई उससे हाफ में, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे, तो देखो यहाँ पे हमारी अपडेट नेम की ट्रिक है, ये वीडियो आप जाके देख लेना। यहाँ पे देखो मेरा जो अकाउंट है वो जस्ट नाउ पे अपडेट पे गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने पहले कोई और मैथड ट्राई करा तो हमारा जो सिंबल का रिप्लाई नहीं आया, तो मैंने अगेन ट्राई करा। तो देखो यहाँ पे देखो मैंने ट्राई करता गया, ऐसे ही आपको ना ट्राई करते रहना, ठीक है। एक बार में एक्सेप्ट नहीं होगा, ये जैसे यूनिक सिंबल का सीन है ना कि एक बार में एक्सेप्ट नहीं होता, सेम वैसे इसका भी सीन है, एक बार में एक्सेप्ट नहीं होगा ये, ठीक है गाइस। तो देखो यहाँ पे देखो उल्टा सबमिट हुआ, लेकिन फिर भी जो हमारा सिंबल है वो एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन आप ये नहीं कि अब आप उल्टा ही सबमिट करो, ऐसा मत करना गाइस। मैं आपको अभी सिखाऊंगा, अभी वीडियो के आगे मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको कैसे सबमिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, 2 मिनट में हमारा जो सिंबल है वो एक्सेप्ट हो गया। तो देखो ये दोनों सिंबल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये वाला, ठीक है, स्नैपर वाला भी, और उसके बाद ये तो आप अपना नाम लिखोगे और इमोजी और कुछ नहीं है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे, तो इसका उसके बाद में अब आपको ना इसका लिंक कॉपी करके ऑफिशियल ऐप में भी चेक करवाया था कि इमोजी शो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखो गाइस यहाँ पे मैं आगे अपनी आईडी में, और उसके बाद मैंने यहाँ पे पोस्ट कर लेता हूँ लिंक, और लिंक को मैं करूँगा ओनली मी, और कर देंगे इसे पोस्ट, ठीक है। तो देखो गाइस यहाँ पे आपके सामने अकाउंट का नेम देख सकते हो, नेम प्लस इमोजी, यहाँ पे इमोजी शो करता है ऑफिशियल ऐप में, तो ये देखो शो कर रहा है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका इमोजी भी शो करेगा, और ज़रूरी नहीं कि आप एक ही इमोजी लगाओ,
दो चार पाँच जितना मन करे लगाओ, क्योंकि हम यूनिक वाले मेथड से बना रहे हैं और यूनिक मेथड से हम कुछ भी लिख दें उसमें एक्सेप्ट होगा ही होगा। ठीक है गाइस, आप समझ गए होगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सबमिट कैसे करना है। तो यहाँ पे मेरे पास एक अकाउंट फेसबुक अकाउंट अपडेट नंबर है, तो मैं उससे लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर ओपन कर लेना और वहाँ से वीआर ब्राउज़र डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी वीआर ब्राउज़र डाउनलोड कर रखा है, तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इसे ओपन और यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ ऐप भी। ठीक है, यहाँ पर फेसबुक ओपन कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर लॉगिन टू इंडर अकाउंट पर क्लिक करेंगे और इसे कर लेंगे इंग्लिश। तो यहाँ पर मैं एक फेसबुक अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। तो देखो गाइस, जब मैंने मेल एंड पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद हम करेंगे लॉगिन पे क्लिक। ठीक है, जो भी आपका फेसबुक अकाउंट अपडेट नंबर हो उसको आपको लॉगिन कर लेना है वीआर ब्राउज़र में। ठीक है, तो देखो मैंने कर लिया लॉगिन, हम इसको कर लेते हैं इंग्लिश। देन आपको करना डोंट अपडेट पे क्लिक, उसके बाद आपको करना नेक्स्ट पे क्लिक और उसके बाद यहाँ पे चूज फाइल में आपको अपना प्रूफ सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रूफ सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखो गाइस, अब मैंने जो है प्रूफ जो है सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको सिंबल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आप वहाँ से उसे कॉपी कर लेना। तो देखो ये सिंबल है, ये देखो फर्स्ट नेम में ये डालना आपको, लास्ट नेम में ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्ट्रेंज की जगह अपना नाम लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं फर्स्ट सिंबल जो है कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे आप यही रहने देना, इसमें कोई चेंज मत करना। ठीक है, स्नाइपर सिंबल में आप कोई भी चेंज मत करना, तो ये जल्दी सिंबल एक्सेप्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया इसे पेस्ट और उसके बाद यहाँ पे देखो आप इसे स्ट्रेंजर को कट करके अपना नाम लिख सकते हो, जैसे कुछ भी आपका नाम है, कुछ भी जो भी आपका नाम है। ठीक है, समीर नाम है, जो भी नाम है आपका वो लिख लेना। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्ट्रेंजर। ठीक है, क्योंकि मैं अपने लिए बना रहा हूँ, आपका जो भी नाम है वो लिख लेना। ठीक है, तो इसे मैं यहाँ पे आके कर देता हूँ पेस्ट सर नेम में, मतलब लास्ट नेम में। और उसके बाद हमें यहाँ पे आके प्रूफ नेम लिख लेना है। ठीक है, आपको भी प्रूफ नेम लिख लेना है। ठीक है, ऐट द रेट तो मैं आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो ऐसा ये आपका फर्स्ट स्टेप का काम हो गया। ठीक है, अब आपको ध्यान से समझना है नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है। देखो यहाँ पे लिखा है कन्फर्म योर नेम। ठीक है, देखो मैंने मार्क कर दिया अच्छे से बिल्कुल, तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये लिंक शो करेगा, आपको क्या करना है फुल लिंक को कॉपी कर लेना है। ठीक है, आप कॉपी कर लोगे, उसके बाद यहाँ पे देखो एक बॉक्स में वन लिखा है ना, ये देखो यहाँ, तो आपको इस पर क्लिक करना है और उसके बाद प्लस वाले साइन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको क्या करना है वो लिंक जो है पेस्ट कर देना है। तो मैंने कर दिया पेस्ट, उसके बाद देखो ऐसा सेम इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चूज फाइल में प्रूफ सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे प्रूफ सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखो गाइस, जब मैंने प्रूफ सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको प्रूफ नेम लिख देना है, प्रूफ का फर्स्ट नेम। ठीक है, और यहाँ पे प्रूफ का नाम लास्ट नेम। तो देखो यहाँ मैंने प्रूफ का लास्ट नेम भी लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको देखो जब आपने सबमिट करा, देखो ऐसे मोहम्मद रमजान, मतलब प्रूफ का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख लिया। ठीक है, उसके बाद आपने सबमिट करा, तो कभी मतलब कभी कभार नहीं ऐसा होता ही है, बहुत बार क्या होता है आपका जो प्रूफ नेम है एक्सेप्ट हो जाता है। जैसे ही आपको प्रूफ नेम एक्सेप्ट होना, नेक्स्ट बार में आपको यहाँ पे आईडी लिख देना है। ठीक है, फिर अगर ऐसा हो कि फिर आपका ये आईडी एक्सेप्ट हो जाए, तो उसके बाद आपको आईडी हटा देना है और अगेन मोहम्मद रमजान सबमिट करना है। समझ गए ना आप ध्यान से? तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास दो टैब हो गए। ठीक है, यहाँ पे मैंने बॉक्स पे क्लिक करा, उसके बाद ऐसा हो गया, फर्स्ट टैब में हमारा ये सिंबल हो गया और सेकंड टैब में हमारा प्रूफ नेम हो गया। ठीक है, तो अब आप बिल्कुल ध्यान से देखना, फर्स्ट जो है मैं फर्स्ट टैब को सबमिट करूँगा, देन सेकंड टैब को। ठीक है, तो देखो अब आप ध्यान से देखो बिल्कुल, मैं पहले फर्स्ट टैब पे सबमिट करूँगा देन सेकंड। तो ये मैंने करा सबमिट और ये आके सेकंड पे और मैंने कर दिया सेकंड में सबमिट। अब देखो ये दोनों सबमिट हो जाएंगे, हम वेट करते हैं। तो देखो दोनों पे थैंक यू लिखा आ गया, मतलब दोनों जो है हमारा सबमिट हो चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आपको अपना सिंबल जो है एक्सेप्ट करवा सकते हो। तो गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।